आपका स्वागत है एबीपी गंगा के विशेष कार्यक्रम चाय पर चर्चा पर। और सुबह की चाय और चाय की चुस्की और चुनावी चर्चा ना हो तो चुनावी माहौल नहीं बनता है। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर जिले पर और बात करेंगे अब चाय पर चर्चा पर। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सारे लोग हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या हो रहा है और चुनावी माहौल में क्या मूड बन रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हमारे साथ में मौजूद भाई, क्या चल रहा है आपके मन में? किस विषय चाय पर चर्चा है, चुनावी माहौल है, क्या चल रहा है मन में, किस तरह का कैंडिडेट आप चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? जो क्षेत्र का विकास करे और कम से कम कोरोना का बचाव तो जरूरी है। चुनावी रैलियां चल रही हैं, दिन में रैलियां, रात में कर्फ्यू। अब ये तो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उनसे पूछ लेना कि क्या होगा, क्या कहेंगे। दिन में रैली है, रात में कर्फ्यू? देखिए, दिन में रैली, रात में कर्फ्यू। अभी हमारे बगल के पड़ोसी जिले के भानु प्रताप जी ने कहा कि रात में कोरोना आता है क्योंकि उसको रात में दिखता है। अब बताइए, जब एक केंद्रीय मंत्री ऐसी बात करेगा तो उसको आप क्या करोगे भाई? आप देखिए ना कि प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ओमिक्रॉन के कितने केस बढ़ रहे हैं, दिन और रात क्या होता है। तो इसके मतलब ये है कि भानु प्रताप जी ने जो कहा है कि दिन में मोदी जी आते हैं तो एसपी जी आती है, इसलिए कोरोना नहीं घुस पाता है, और रात में एसपी जी जब चली जाती है दिल्ली तो कोरोना आ जाता है उत्तर प्रदेश में। और रहा स्थानीय विधायक की बात, तो हमारे यहाँ स्थानीय विधायक और सांसद तो लापता हैं, उनके तो पोस्टर भी लग चुके हैं लापता की तलाश के। हमें तो वो विधायक चाहिए जो हमारे क्षेत्र का काम करे, आम जनता की बात सुने, ऐसा विधायक हम लोग लाना चाहते हैं कि हमीरपुर का विकास करे। हमीरपुर में देखिए रोडवेज की समस्या कितनी बड़ी है, आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको बस नहीं मिल रही है, बस मिल रही है तो उसमें शीशे नहीं हैं, शीशे हैं तो उसके अंदर फर्श नहीं है, हवा आ रही है, बच्चे और महिलाएं ठंड में सिकुड़ी जा रही हैं। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ का जो सागर हाईवे है, 2 लेन बना हुआ रोड है जिसको 4 लेन सेंक्शन किया था UPA सरकार में, उसके बाद भी ये 2 लेन बना, और 2 लेन के बाद इसमें पिछले महीने 36 लोग हमारे यहाँ ख़त्म हुए एक महीने में। अब आप एवरेज लगा लीजिए, अब एक महीने में 36 आदमी ख़त्म हो रहा है तो एक साल में कितने लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो ये 4 लेन नहीं, इसको 6 लेन होना चाहिए, क्योंकि इस रोड पे उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त रोड है, क्योंकि 40,000 ट्रक पर डे मोरम, गिट्टी और लांग रूट का ट्रक निकलता है। और यहाँ पे तो ये समस्या है कि देखिए, दूसरी समस्या हमारे यहाँ अस्पताल की है। ठीक है, ठीक है, अस्पताल की समस्या है, रोडों की समस्या है, और भी लोगों से जानते हैं क्या क्या समस्या है, क्या लगता है, क्या चल रहा है मन में? नहीं, मन में तो चल रहा है, उसको पूरा नहीं बताया जा सकता। चुनाव में आप पूछ रहे हैं, वो आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। चुनावी मुद्दा है, कैसा कैंडिडेट? देखिए, कैंडिडेट हम वो चाहेंगे जो घर से लेकर, सड़क से लेकर और सत्ता तक संघर्ष करे, जिसने बेईमानी से समझौता न किया हो, जो अपनी रहीसत को कायम रखने के लिए, अपने रुआब को कायम करने के लिए जो राजनीति करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, हारते हैं या जीतते हैं, ऐसे लोगों से को राजनीति में नहीं आना चाहिए। आज संपूर्ण जितना भी राजनीतिक व्यक्ति है उसमें जो भी पदों में जा रहा है वो एक अधिकारी बन जाता है वहाँ जाके, और अधिकारी से हिस्सा बटाता है बेईमानी में। हम ये चाहते हैं कि ऐसा संघर्षशील व्यक्ति हो तो झोपड़ी से लगाकर महल तक की लड़ाई लड़े वो, और अपनी बात को प्रभावी ढंग से अधिकारियों कहे। अधिकारी प्रजातंत्र में होने के नाते प्रजातंत्र के प्रतिनिधि के आधार पर अधिकारी चलें। अभी जो प्रतिनिधि आते हैं वो अधिकारी के हिसाब से चलते हैं, तो जो यहाँ पर पैसे के बल से, जो आज राजनीति में धन बल, एक बीच आया था जब बाहुबल का था, उसके पहले जनबल का था, अब आ गया है धन बल का, तो धन बल से हटकर जनबल की राजनीति करने वाले, चाहे किसी घर से तलाश के लाना पड़े दलों को, उसको लाना चाहिए, और ऐसे विधायक को होना चाहिए जो इन सब लड़ाइयों को लड़े और विकास की धारा के साथ नैतिक धारा और ईमानदारी की धारा को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता की लड़ाई को लड़ना होगा प्रतिनिधियों को, तभी वो एक बार जन सरोकार कर पाएंगे और एक बार दोबारा सत्ता पे आ पाएंगे। क्या लगता है, क्या चल रहा है मन में? ये चल रहा है कि देश जो है हमारा, सबसे पहली बात तो अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, देश हमारे सुरक्षित हाथों को ही देना चाहिए, जिसमें से सिर्फ योगी और मोदी ही हैं देश में, जो कि देश को उन्होंने सुरक्षित हाथों में पहुंचाया है।
और जहाँ तक अन्य पार्टियों के सवाल है, किसी के हाथ में सत्ता आ जाती है तो सिर्फ 12 महीने उनके पेपर घोटालों से रंगे रहते हैं। आज कम से कम 4-5 साल से हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल विरक्त हैं कि कहीं भी घोटाले शब्द का नाम नहीं सुनाई दे रहा है और ना ही कहीं दंगे हो रहे हैं। पिछले 4-5 सालों से हमारा प्रदेश इतना सुरक्षित है कि कोई दंगा नहीं हो रहा है। कल एक पार्टी के द्वारा कुत्सित प्रयास किया गया कानपुर में, अपनी ही गाड़ी को उन्होंने तोड़ फोड़ करके उन्होंने ऐसे मोहल्ले पर गाड़ी खड़ी कर दी जिससे कि मतलब अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो। कल मोदी आए हुए थे कानपुर में, उन्होंने सोचा कि इसी बहाने एक दंगा किया जा सकता है, लेकिन योगी का राज है, इतना संभव नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में रहे, उन्हीं के पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। आपके मन में क्या चल रहा है? अभी अखिलेश जी आए, हमीरपुर का दौरा किया, इसके बाद जन विश्वास यात्रा आई, उन्होंने भी इधर के लोगों को देखा, क्या लगता है इससे कुछ बदलाव होगा? किस विषय में? चुनावी मुद्दा है क्या? चुनावी बदलाव होगा इससे? चुनावी मुद्दा केवल इतना है हमीरपुर का कि हमीरपुर का जो भी आज तक जनप्रतिनिधि हुआ है वो जनता के बीच में नहीं रहा कभी। इधर पे मुख्य समस्या है अस्पताल का रेफर सेंटर होना और NH का 2 लेन बनना, इसको 4 लेन बनना चाहिए, कम से कम 4 लेन में तब्दील होना चाहिए और विधायक ऐसा हो हमारा कि जो जनता के बीच में रहे, जनता की बात। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे हमीरपुर की जिले की अगर माने तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या 4 लेन की है, क्योंकि यहाँ 2 लेन है, उसके कारण से कई सड़क हादसे भी होते हैं जिसको कोई रोक नहीं पा रहा है। क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा है ये 4 लेन? सरकार तो कई 5 साल हो गए हैं पूरे लगातार, अखिलेश सरकार में ये बना हुआ था, कहीं ना कहीं इस रोड में भी राजनीतिकरण हो रहा है, चूँकि इसको भी लोग कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी बात करते हुए चल रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि हम इसको बना दें तो कोई दूसरा सरकार इसका श्रेय ले ले, जबकि ये गलत चीज़ है। ये रोड, इसको खूनी रोड का ही नाम दे दिया गया है। अगर इसका एवरेज उठाएंगे तो 365 दिन में 365 आदमी की मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर चेत नहीं रही है। अब बात आती है कि यहाँ की लोकल के मुद्दों की, तो लोकल के मुद्दों पे मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की तरफ कोई भी जनप्रतिनिधि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। आप रात में 10 बजे के बाद चले जाएं तो एक सिंगल मेडिकल स्टोर खुला नहीं मिलेगा जहाँ से अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो आपको मेडिसिन उपलब्ध हो जाए। एक भी अस्पताल के बगल में कोई भी ऐसी कैंटीन नहीं है कि अगर ज़रूरत पड़ जाए पेशेंट को रात में गर्म दूध की तो अवेलेबल नहीं हो सकता, वो मर जाएगा पेशेंट। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ एजुकेशन की है। यहाँ अभी तक कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि आया है इसने कहीं भी टेक्निकल शिक्षा एजुकेशन के लिए कहीं भी कोई एक न्यू नहीं रखी हुई है, और जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो जनता से रूबरू बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। वो तभी आते हैं जब कोई शीर्षस्थ नेता आता है। इस समय जो मौजूदा सरकार है उसमें आप स्वयं देखने वाले हैं कि यहाँ भीड़ डाक बंगले में तभी होती है जब कोई बड़ा मंत्री आता है, उसके अलावा ना यहाँ सांसद ना विधायक कोई कभी दिखाई नहीं पड़ता। जैसी अभी अभी एक बात कही हमारे बड़े भैया ने कि कोई भी किसी तरह का वो नहीं हुआ, तो मैं इनको थोड़ा सा याद दिला दूं कि भाजपा ही सरकार में कंधार हाईजैक हुआ था, अक्षरधाम हुआ था, पुलवामा हुआ था, उरी हुआ था, पठानकोट हुआ था, सब भाजपा सरकार में ही हुआ था, तो मैं इनको ये बता दूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं वो कैसे भूल जाऊँ कि इस देश में सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था जिसमें 700 किसान भाइयों की शहादत हुई थी, उस पर 2 शब्द नहीं कहा गया, ये कहा गया कि वो उनका कोई आंकड़ा नहीं है, जबकि आप सभी लोगों के पास सभी आंकड़े उपलब्ध हैं। तो इस समय जो विधायक चाहिए वो जन सेवाओं को विशेष ध्यान दे और जनता के बीच में जरूर रहे, हम उस विधायक को चुनना चाहेंगे। क्या लगता है, दिन में रैलियां चल रही हैं, सारी पार्टियां रैलियां कर रही हैं और रात में कह देते हैं ये कोरोना कर्फ्यू लग गया, क्या लगता है? ये एक साजिश भी है कहीं ना कहीं। अगर जो है कोरोना की बीमारी है तो निश्चित रूप से अगर रात में जो कर्फ्यू लगाया जाता है तो दिन में भी कर्फ्यू होना चाहिए, और अगर दिन में रैलियां होती हैं तो साजिश के तहत, राजनीति के तहत ये रैलियां करवाई जा रही हैं जिससे जनता को हानि होनी है। निश्चित रूप से ये बीमारी जो है जनता के लिए हानिकारक होगी। ये सरकार
जनता के हितों पर कार्य करने नहीं कर रही है। ये सरकार जनपद हमीरपुर ही नहीं, जनपद हमीरपुर का प्रवेश द्वार है हमारा कानपुर सागर राजमार्ग, जिस पर हजारों जो है वाहन जो है यहाँ से निकलते हैं, हजारों वाहन जो निकलते हैं वो इसी प्रवेश द्वार से निकलते हैं। इस सरकार की मंशा जो है बुंदेलखंड को जो है केवल लूटने की, खसोटने की है। इसीलिए इन्होंने जो है यहाँ पर 1,72,000 करोड़ रुपये का बनने वाला डबल पुल उसको सिंगल कर दिया, छीन लिया। यहाँ बुंदेलखंड के लोगों को इससे हानि होगी, जिससे बुंदेलखंड प्रभावित होगा। खनन हुआ, अखिलेश सरकार में भी खनन हुआ, भाजपा सरकार में भी खनन हो रहा है, तो आप एक सरकार पर ब्लेम नहीं कर सकते, कैसे दोनों सरकारों को? ये खनन की बात नहीं है, ये डबल पुल की बात है। ये पुल जो है हमीरपुर को भी फायदा देता है, ये महोबा को भी फायदा देता है, ये सागर को भी फायदा देता, छतरपुर को भी फायदा देता, ये सभी जनपदों को फायदा देता। ये डबल पुल जो बनना था, इस पुल को जो है सिंगल पुल कर दिया गया, जो जनता के साथ विश्वासघात है। दूसरा, जिस खूनी सड़क की बात होती है, इस पर डबल फोर लेन होना चाहिए, लेकिन जो है किसी भी प्रकार से योगी सरकार की मंशा जो है यहाँ फोर लेन बनाने की नहीं है, इसीलिए जो है डबल पुल को सिंगल पुल किया गया है, जिससे हम लोग अब 25 साल तक यहाँ पर जो है फोर लेन नहीं ले सकते, सिर्फ शोषण के शिकार होंगे, हमारे लोग मरेंगे, ये खूनी सड़कों पर जो है हमारे लोग मरने का जो है शिकार होते रहेंगे। सरकार यही चाहती, जन विरोधी सरकार है। ठीक है, देखिए किसी भी जिले को चलाने के लिए सड़क सुरक्षा और सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे जीवन का जो हम लोग जी सकते हैं अच्छे से। तो कहीं ना कहीं इन सब पे ध्यान देना होगा, यहाँ की सरकार को इस ज़िले के जो कमियाँ हैं उनको पूरा करना होगा, तभी यहाँ की जनता उन पर विश्वास कर पाएगी। विकासपुर आर एबीपी गंगा के लिए हमीरपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।